हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश सोनी और न्यांग पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आज का वीडियो में ये डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के पीछे कौन सा ट्रैप है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्रेडिट कार्ड का पहला ट्रैप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ कि क्रेडिट कार्ड तो सबसे पहले यूज़ करना चाहिए कि नहीं, वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। उसका सबसे पहला ट्रैप है कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 जून से लेकर 30 जून तक का। तो उसका हर क्रेडिट कार्ड का अलग अलग बिलिंग साइकिल होता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो 1 से लेकर 30 तक का मैं डेट है, जिसमें अगर आप 15 तारीख से पहले जो भी खर्चा करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिलिंग साइकिल है आपका 15 जून का, ठीक है, तो 15 जून से पहले आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आपको जुलाई के, जैसे कि मान लीजिए आपका जो बिल ड्यू डेट है वो 4 से 5 जुलाई का है, ठीक है, तो 15 से पहले आप जो भी खर्चा करते हो वो आप 4th या 5th जुलाई को आपको पे करना है। और 15 के बाद मीन्स 15 जून के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आपको अगस्त के महीने में भरना है, अगस्त 4th या 5th को। आप सबको लगता है कि आपको 55 डेज का टाइम मिला है पे करने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि 55 डेज नहीं, आपको सिर्फ 23 to 25 डेज मिलता है उस चीज़ को पे करने के लिए, तभी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि 55 डेज का टाइम है तो ये गलत है। ये तो छोटी सी ट्रैप थी, बट क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ट्रैप ये है कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से उधार लिया है 10,000 रुपया, बट आपका दोस्त अगर बोलता है कि तू मुझे एक काम कर, 2,000 रुपये दे दे और बाकी का मैं नहीं मांगूंगा तुझे, तुझसे थोड़े दिन के बाद दे देना, ठीक है, तो आपके पास अगर पैसा 10,000 होगा भी तो भी आप कितना दोगे, 2,000 दोगे, सोचोगे कि चलो ठीक है पैसा बच रहा है। तो यही ट्रैप क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है इंसान के, हम लोगों के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेलता है क्रेडिट कार्ड। जैसे कि ये बिल है, इसमें दो रहता है, एक टोटल अमाउंट ड्यू रहता है और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू, सच में क्रेडिट कार्ड ये चाहता है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू ही भरें, ताकि आप अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हो तो क्रेडिट कार्ड को फ़ायदा है। हम भी सोचते हैं कि चलो इतना है इतना भरते हैं तो हमको कम पैसा भरना पड़ेगा, बट इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है। जो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हो वो अगले महीने अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो उस पर भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो आप खर्चा करोगे उसका इंटरेस्ट तो चार्ज होता ही है, बट जो मिनिमम अमाउंट ड्यू आपने छोड़ा है, अगले महीने के लिए, उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता ही रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्रेडिट कार्ड आपके साइकोलॉजी के साथ कैसा खेल रहा है। ये था क्रेडिट कार्ड का सेकंड ट्रैप। तो अब मैं आपको थर्ड ट्रैप के बारे में बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड का थर्ड ट्रैप क्या है? पहली बात तो क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही अगर इमरजेंसी केस, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो तो ही क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप एटीएम में जाते हो और क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकाल लेते हो तो आप सबसे बड़ी गलती उसमें करते हो। क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। अगर आप कैश निकालते हो तो कैश रिमूवल चार्जेस जो कि 2.5 या 2% होता है क्रेडिट कार्ड का कैश रिमूवल चार्जेस, वो तो आपको लगता ही है, 2.5 और 2% चार्जेस तो आपको लगता ही है, बट आपने जो खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड से वो इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा, प्लस ये चार्जेस, जैसे कि कैश रिमूवल चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस, आपको दोनों ही भरना पड़ेगा। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड मत यूज़ कीजिए। चुल्लू मुल्लू रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आप जाते हैं, बट कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप जमा करते रहो, छोटी सी चीज़ भी आप खरीद नहीं पाते हो। तो इससे अच्छा डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती तो ही क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया करें। तो यही कुछ क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स के बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज देना था। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के मुझे बताना। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और हाँ, यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।